हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अप्रेंटिस भर्ती निकल गई है एनएलसी इंडिया लिमिटेड की ओर से। एनएलसी इंडिया लिमिटेड यानी नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो कि राजस्थान साइट की ओर से है, इसके अप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए। इसमें आईटीआई पास आउट के साथ साथ डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट्स है, उन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसके साथ ही बीकॉम और बीबीए कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, वो निकाली गई है। वैकेंसीज के अपन यहाँ पे बात करें तो 163 पदों के लिए वैकेंसी निकली है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10/6/2024 से भरना शुरू हो चुका है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो कॉपी है 23/6/2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हो। तो जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई डिप्लोमा डिग्री के क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें आसानी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में विस्तार से। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर भी हम लगातार अपडेट आप तक पहुँचाते रहूँ। तो दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये डिटेल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो एनएलसी इंडिया लिमिटेड की ओर से जारी किया गया। राजस्थान के जो बरसिंहसर बीकानेर में स्थित है उसकी उस साइट की ओर से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ये निकाले गए हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यानी राजस्थान से जो बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छा मौका है। इसमें वैकेंसीज जो निकाली गई, इसमें राजस्थान के कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आता है। इसके द्वारा आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई। जिन कैंडिडेट ने 2020, 21, 22, 23 और 24 में जो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया, वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एक साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट की अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग रखी जाएगी। सबसे पहले तो अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे स्लॉट्स और स्टाइपेंड की बात करें, तो सबसे पहले आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप में आप देखोगे तो 86 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के 30 है, फिटर की 20 है, वेल्डर की 12 है, हॉर्टिकल्चर के 8 है, वायरमैन के 6 है, प्लम्बर की 5 है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के टेक्नीशियन के 3 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 2 वैकेंसी निकाली गई। एक साल के लिए ट्रेनिंग होगी, उनको 10,019 रुपये हर महीने स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। फिर 2 नंबर पे आते हैं डिप्लोमा या टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, इसमें फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 15 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 15 है, सिविल इंजीनियरिंग की 2 है, माइनिंग इंजीनियरिंग की 5 है और माइनिंग सर्वेइंग की 2 वैकेंसी है। टोटल 42 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, एक साल की ट्रेनिंग अवधि रखी गई, स्टाइपेंड है पर मंथ तो 12,524 रुपये यहाँ पे स्टाइपेंड रखा गया। फिर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग की 2 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 8 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 10 है, सिविल इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसी है, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की 2 है, माइनिंग इंजीनियरिंग की 5 है। टोटल 31 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, उनको 15,028 रुपये हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग यानी जनरल स्ट्रीम के कैंडिडेट की बात करें तो बीकॉम की 2 वैकेंसी है, बीबीए की 2 वैकेंसी है, टोटल 4 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसमें 12,524 रुपये कैंडिडेट को स्टाइपेंड दिया जाएगा। कैंडिडेट के पास में जो आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो एनसीवीटी से होनी जरूरी है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी फुल टाइम यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। जिन कैंडिडेट्स के पास में ये क्वालिफिकेशन है वही इसमें अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, अदर क्वालिफिकेशन वाले इसमें अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 35 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट 20, 21, 22, 23 और 24 में पास आउट होना जरूरी है। राजस्थान के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करने के लिए एलिजिबल माने गए। जिस कैंडिडेट के पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की रिजर्वेशन की बात करें तो जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट से, उसमें 50% तो जो आरजी आईटीआई है यानी राजस्थान गवर्नमेंट से जो आईटीआई पास आउट करके उनके लिए 50% है वो कॉमन जो कंपटीशन सीट है उनमें रखी गई है, यानी 50-50% यहाँ पे 2 कैटेगरी बांटती है। डिप्लोमा टेक्नीशियन की बात करें तो 40% वैकेंसी तो जो पीएपी पी जो यानी प्रोजेक्ट अफेटेड पर्सन है उनके लिए है, 10% सीट है जो वार्ड एम्प्लॉई है अभी काम करें उनके लिए, 50% है वो ओपन मार्केट से यहाँ पे ओपन कंपटीशन है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। इसी प्रकार से ग्रेजुएट अप्रेंटिसिप में 40% पीएपी कैंडिडेट्स के लिए, 10% वार्ड
एम्प्लॉयज के लिए 50% ओपन कंपटीशन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है निकाली गई है। कैंडिडेट है उनके उनके पास में जो इसका वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यदि पीएपी अफेक्टेड पर्सन है तो उनके पास पीएपी अफेक्टेड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक बीए बीकॉम और बीबीए में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है किया जाएगा। मार्क्स बेसिस यहाँ पे सिलेक्शन है रखा गया। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है www.nlcindia.in के करियर सेक्शन में जाके ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप में जाके यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म 10/6/2024 से लेकर 23/6/2024 तक यहाँ पे फिलअप कर सकता है। कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में कैंडिडेट को अप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद कैंडिडेट को उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है, उसको उस पर अपने सिग्नेचर करने है। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अटैच करके 30/6/2024 तक इसको हार्ड कॉपी भी यहाँ पे भेजनी जरूरी है। द प्रोजेक्ट हेड बर्सिंग सर, प्रोजेक्ट एनएलसी इंडिया लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बर्सिंग सर बीकानेर राजस्थान में भेजना है, या कैंडिडेट जो बर्सिंग शहर में जो बॉक्स लगा हुआ थर्मल पावर स्टेशन पे गेट नंबर 2 पे वहाँ पे भी जाके इसको डाल सकता है 30/6/2024 को 5 बजे तक। ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं तो प्रोविजनल एनटीसी या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए वो लगाना है, आईटीआई की मार्कशीट लगाना है, 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा कम्युनिटी सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट यदि किसी के अप्लीकेबल है, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन के लिए एक सर्विसमैन का यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना है, कंसोलिडेट मार्कशीट और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी है। फॉर्म यदि किसी कैंडिडेट के पास में सीजीपीए वगैरह ओजीपीए लागू है तो उनको मार्क्स कन्वर्सेशन का सर्टिफिकेट लगाना, आधार कार्ड लगाना है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाना है, वार्ड एम्प्लॉय कोई है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है, और पीएपी कोई एम्प्लॉय है तो पीएपी का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है। कैंडिडेट को सारी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। इसके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो 15/7/2024 तक रिलीज होने की पूरी संभावना है। जो ट्रेनिंग है वो 2/7/2024 में स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे जो पीएपी अफेक्टेड पर्सन है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो दे रखी है। इसमें कैंडिडेट को जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी उसकी जानकारी मैंने यहाँ पे आपको दे दी है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म 10/6/2024 को 10 बजे से भरना शुरू हो चुका है, 23/6/2024 तक 5 बजे तक भरा जाएगा। लास्ट डेट है तो हार्ड कॉपी जमा कराने की वो 30/6/2024 को 25 बजे तक रखी गई। तो दोस्तों कुल मिला के जो राजस्थान के कैंडिडेट है जिन्होंने राजस्थान से आईटीआई पास आउट करके वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म आउट सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा जहाँ से डाउनलोड करके आप उसको केयरफुली चेक कर सकते हैं, और केयरफुली चेक करने के बाद में आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म आउट सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।